हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्मृति क्या होती है और स्मृति एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्मृति ऑपरेशंस क्या होते हैं। और उसके बाद हमने पहला एलिमेंट पढ़ा था आइडेंटिटी। तो उसके बाद आज जो है हमने स्टार्ट करना है प्रॉपर रोटेशन से एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के। प्रॉपर रोटेशन क्या होती है और मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉपर रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन। के प्रॉपर रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, तो इसका ये होता है कि कोई भी इमेजिनरी लाइन होती है जो हमने पास करवानी होती है सेंटर ऑफ मास में से, या किसी भी मालिक्यूल के सेंटर में से हमने एक लाइन को पास करवाना होता है और उसके बाद उसको करवाना होता है रोटेट। और रोटेशन हमने किस तरह से करवानी होती है कि 360 डिवाइड बाई एन, और उसके बाद जो हमारे पास न्यू जो ओरिएंटेशन आएगी वो क्या होगी, वो इंडिस्टिंग्विशेबल होगी फ्रॉम दी ओरिजिनल वन। ये हमारे पास जो रोटेशन होती है वो हमारे पास क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। और यहाँ पे एन जो है वो क्या होता है, एन जो होता है वो हमारे पास वन से इन्फिनिटी तक हो सकता है। अगर एन इज़ इक्वल टू वन होगा तो हमें उस मॉलिक्यूल को 360 तक रोटेट करवाना होगा। अगर एन इज़ इक्वल टू टू होगा तो मतलब हमें 180 तक रोटेट करवाना होगा। जैसे हमारे पास यहाँ वाटर की एग्जाम्पल है, इसी तरह अगर एन इज़ इक्वल टू थ्री है तो मतलब हमने उसको 120 तक रोटेट करवाना है। और 120 किस में आएगा, हमारे पास बी एफ थ्री के अंदर। और इस तरह हमारे पास आ जाता है कि एन फोर का मतलब है कि हमने मालिक्यूल को 90 तक रोटेट करवाना है, जैसे पी टी सी एल फोर। और इस तरह अगर एन फाइव है तो मतलब कि 72 का एंगल होना चाहिए रोटेशन के लिए, और वो हमारे पास पेंटागोन के अंदर आएगा। इस तरह हमारे पास एन इज इक्वल टू सिक्स भी होता है, जैसे बेंजीन के अंदर, तो वहाँ पे हमने 60 तक रोटेट करवाना होता है। अब ये जो है ना, हमें कैसे पता चलता है कि हमने कौन से मॉलिक्यूल को कितना रोटेट करवाना है और किस एंगल तक रोटेट करवाना है, तो इसके लिए जो है आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास सी वन है। अब हमने कहा था कि सिमेट्री के लिए ज़रूरी है कि हम मॉलिक्यूल को रोटेशन करवाएं, उसको रोटेट करवाएं किसी भी एंगल के थ्रू, और हमारे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आए। और इस वजह से हम मॉलिक्यूल को देखते हैं कि हम इस मॉलिक्यूल को कितना रोटेट करवाएं कि हमारे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आए। उसके हिसाब से फिर हम उसकी रोटेशन देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हमने 360 तक रोटेट करते हैं तब जाके हमें इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलता है, कुछ में हमें 180 तक ही मिल जाता है, कुछ में हमें 120 तक करवाना पड़ता है, और कुछ में 60 तक, और कुछ में 72 तक, और फिर जाके हमें इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलता है। और हमने रोटेशन जो है वो इस तरह से करवानी होती है कि हमारे पास जो है ना एक पोजीशन चेंज हो और सिमिलर एटम एक दूसरे को रिप्लेस करें। अब जैसे इसकी बात हम करते हैं, सी वन इसके अंदर क्यों है। अब इसके अंदर सी वन इसलिए है कि अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ, मतलब कि मैं इसको 60 तक रोटेट करती हूँ, ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या ये मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज होगा? नहीं। इसको मैं दोबारा अगर यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ, मतलब कि 120 तक, तो फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पर आ जाएगा, ये भी मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। फिर मैं इसको यहाँ तक लेकर आती हूँ, तो मतलब कि मैंने इसको 180 तक रोटेट करवा दिया, और 180 तक भी मुझे इसका इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं मिल रहा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो यहाँ ब्रोमीन की जगह पर आ गया। और साफ पता लगता है कि हमने इसको रोटेट करवाया, क्योंकि फ्लोरीन जो हमारा पहली पोजीशन पर था वो हमारा फोर्थ पोजीशन पर आ गया। इस तरह इसको जब दोबारा मैं रोटेट करूँगी, फ्लोरीन अपनी जगह पर आ जाएगा 360 पर, फिर मेरे पास जो होगी वो इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगी, और इस वजह से इसके अंदर क्या है, सी वन है। इस तरह से एक ये एग्जाम्पल है, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ, 60 तक रोटेट करती हूँ, तो मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का होना लाजमी है। सिमिट्री होने के लिए यहाँ पे क्लोरीन का होना लाजमी है अगर मैं इसको यहाँ तक रोटेट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका सी एल नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ तक रोटेट नहीं करवा सकती, नहीं यहाँ तक भी रोटेट नहीं करवा सकती, मैं इसको 180 तक भी रोटेट नहीं करवा सकती। जब मैं इसको टोटल यहाँ तक रोटेट करके लाऊंगी तब जाके मेरे पास इसका इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगा, और इस वजह से इसके अंदर क्या होगी, सी वन होगी। अब सी वन की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर भी हैं, जैसे ये आ गया सी वन। जब सी वन इसके अंदर करवाएंगे ये मॉलिक्यूल, ये वाला, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सी वन है, क्योंकि मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ यहाँ तक, तो ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं आता। इसको मैं यहाँ तक ले आती हूँ फिर भी मेरे पास नहीं आता, जब मैं इसको यहाँ तक ले आऊँगी 360 तक टोटल रोटेट करके इसको यहाँ तक लाऊँगी, तब मेरे पास जो है इसकी इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगी। इस तरह से हम आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सी टू। तो सी टू हम ऐसे मालिक्यूल के अंदर करवाते हैं जिसको हमें 180 तक रोटेट करना हो, और 180 तक रोटेट करवाने के बाद मुझे उसका इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आए। अच्छा, हम कोई भी मालिक्यूल है उसके अंदर हमने सी टू करवानी है या सी थ्री करवानी है, सी फोर करवानी है,
इसका एक सिंपल रूल ये भी है कि आप ये देख लो कि एक मॉलिक्यूल एक एटम है, उसके साइड पे कितने एटम लगे हुए हैं, कितने ग्रुप लगे हुए हैं और वो सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर कोई हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके गिरचे हैं वो टू सिमिलर एटम लगे हुए हैं या टू सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सी टू होगी। इस तरह अगर थ्री सिमिलर एटम लगे हुए हैं या ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सी थ्री होगी। अगर फोर लगे हुए हैं तो सी फोर होगी, फाइव होंगे तो फाइव होगी, और अगर सिक्स लगे हुए होंगे तो सिक्स होगी। और हमने रोटेशन भी इस तरह से करवानी होती है कि सिर्फ एक पोजीशन चेंज हो। अब ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, इसके अंदर सी टू है, इसके अंदर सी टू किस तरह से, अब यहाँ पे ये इसका फ्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे भी ये लगा हुआ है, ठीक है। जब मैं इसको रोटेट करती हूँ 180 तक, 180 तक रोटेट करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा, मतलब सी टू करवाती हूँ, और ये जो है ये घूम के यहाँ आ जाएगा, मतलब फिर मुझे इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल जाएगा। इस तरह से इसमें मैंने सी टू करवानी है, इसमें मैंने सी टू इस तरह से करवानी है, ठीक है। इसके अंदर भी मुझे क्या आएगा, मुझे 180 तक रोटेट करने पर मुझे इसका इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलेगा। इस तरह से ये वाला मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसको मैंने यहाँ से रोटेट करवाना है। जब मैं इसको यहाँ से रोटेट करवाऊँगी तो मुझे 180 तक रोटेट करवाना होगा, और ये इसकी जगह पर आ जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक ये एग्जांपल आ जाती है, जैसे इसकी हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। ये भी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। 180 तक रोटेट करूँगी तो बी जो है वही की जगह पर आ गया और ए जो है वो बी की जगह पर आ गया, लेकिन हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, एक एक पोजीशन की चेंज हुई, इसके अंदर भी सी टू होगी। इस तरह से अब ये आ गया। अब अभी मैंने बात की है कि अगर जितने हमारे पास ग्रुप लगे हुए होंगे उतनी उसके अंदर होगी, लेकिन इसमें चार ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये भी देखिए ना कि जो क्लोरीन है वो दो लगे हुए हैं और ब्रोमीन भी दो लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे सारे के सारे क्लोरीन लगे हुए होते तो इसके अंदर सी फोर हम कह सकते थे, लेकिन सी फोर फिर भी इसके अंदर ना होती, वो कैसे ना होती वो हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सी टू किस तरह से है कि अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करवाती हूँ यहाँ से, तो ये क्लोरीन जो है वो यहाँ आएगा और ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आएगा। इस तरह ये ब्रोमीन इसको रिप्लेस करेगा और ये ब्रोमीन इसको रिप्लेस करेगा 180 पर रोटेट करने पर, तो यहाँ पे मुझे इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना मैं इसको और कोई इसको किसी एंगल से मैं इसको रोटेट नहीं करवा सकती। इस तरह से मेरे पास ये है, इसके अंदर भी मैं यहाँ से रोटेट करूँगी नहीं, बल्कि इसके अंदर मुझे इस तरह से सी टू लगानी है। जब इस तरह से इसके अंदर सी टू लगाऊंगी तो मेरे पास इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला जो है ये क्लोरीन इस तरह से दूसरे को रिप्लेस करेंगे। अब ये वाला मॉलिक्यूल आ गया, इसमें हमारे पास किस तरह से रोटेशन होगी। अच्छा, जहाँ पे हम जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस लगा, जहाँ पे हमने रोटेशन करवानी होती है, जब हम कोई इमेजिनरी लाइन पास करते हैं और जिस एक्सिस से हमने रोटेशन करवानी होती है या जहाँ से हमने लाइन को पास करवानी होती है वो हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। अगर हमें इसको यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर रोटेशन करवाती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये क्लोरीन कार्बन और ये क्लोरीन मेरा फिक्स रहेगा। रोटेट कौन करेगा, सिर्फ ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर मतलब ये कि 180 तक मैंने इसको रोटेट करवाया तो इसके अंदर सी टू है। इस तरह से मैं इसको भी फिक्स रख सकती हूँ और ये जो है ये दूसरे को रिप्लेस करेंगे। अब ये वाला मालिक्यूल है तो इसको यहाँ से इस तरह से रोटेशन होगी, इसके अंदर ये है तो इसके अंदर इस तरह से रोटेशन होगी। इसके बाद हमारे पास सी टू की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये आ गया, इसके अंदर भी मेरे पास क्या है, सी टू है, ये वाला मालिक्यूल है, इसके अंदर भी हम सी टू करवाएंगे तो ये हमारे पास इस तरह से रोटेशन होगी। ये जो है ये क्या आ जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ आ जाएगा और ये रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, टोटली 180 के एंगल पर है। इस तरह से मेरे पास ये वाला है, या तो मैं यहाँ से सी टू करवाऊँगी, यहाँ से पास करूँगी, मतलब ये तो फिक्स रहेगा, ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको भी फिक्स रख सकती हूँ और मैं इसको रोटेट भी करवा सकती हूँ। अब ये वाला मॉलिक्यूल है तो इसको मैं कहाँ से पास करूँगी, इसको मैं यहाँ से पास करूँगी, ये दोनों फिक्स रहेंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इसके अंदर भी क्या होगा, सी टू होगा। इस तरह से अब ये वाला है तो ये भी सेम वैसे है, इसको मैंने इसको फिक्स करना है तो ये दोनों रोटेट करेंगे, और मैं अगर इसको फिक्स करूँगी तो ये वाले रोटेट करेंगे। इस तरह से ये वाला मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी सी टू है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी सी टू है। इस तरह से ये आ गया तो इसके अंदर भी क्या होगी, इसके अंदर भी सी टू होगी, हम सी टू करवानी है तो जब जाके मेरे पास इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगा। अब हमारे पास ये है तो इसके अंदर भी क्या है, ये सी टू है। अब इसके अंदर सी टू किस तरह से है, अच्छा इसको जो है ना मैंने यहाँ से यहाँ तक रोटेट करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 180 का एंगल बनता है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक रोटेट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इसका क्लोरीन नहीं लगा हुआ। अब अगर यहाँ पे इसका क्लोरीन नहीं लगा हुआ और मैं इसको यहाँ तक रोटेट करती हूँ तो मुझे इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं मिलता, ये मुझे यहाँ नज़र आएगा और यहाँ पे, क्योंकि हमारे ओरिजिनल में इस पोजीशन पर कुछ नहीं लगा हुआ। तो रोटेशन के बाद जो है अगर मैं इसको यहाँ तक रोटेट करती हूँ तो ये मेरा यहाँ पर लगा हुआ नज़र आएगा, इसका मतलब ये कि इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं मिलता मुझे, मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट करवाना होगा। इस तरह मैं इसके अंदर ये भी सी टू इस तरह से भी करवा सकती हूँ कि ये जो है ये पूरा का पूरा इस साइड पर आ जाए और ये वाले जो हैं वो इस साइड पर आ जाए, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से भी सी टू करवा सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है सी थ्री, इसके अंदर जो है वो सी थ्री किस तरह से है।
अब 360 को हमने ऐसे मान लो जिसके अंदर हमें तीन पोजीशन चेंज हो रही हो, या उसको हमने 120 तक रोटेट करना हो, तो वो क्या होगा, उसके अंदर C3 होगी। अब ये वाला मान लो हमारे पास BF3 है। अब BF3 के अंदर रोटेशन किस तरह से है, अब ये है हमने इसको रोटेशन किस तरह से करवानी है, ये यहाँ इसको हमने यहाँ से पास करवाना है यहाँ से, ठीक है। और ये रोटेशन कितनी होगी, ये यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ये यहाँ तक आएगा। मतलब ये देखें, यहाँ से हमने C3 पास करवानी है, सॉरी ये C3 आई थी, मैंने C2 बोला। अच्छा, इसके बाद ये आ गया, ठीक है, इसके अंदर भी C3 होगी। रोटेशन मैंने कहा था इस तरह से होगी कि हमने ना एक ही पोजीशन चेंज करनी है और सिमिलर आइटम रिप्लेस करें, तो यहाँ से यहाँ तक 120 का एंगल बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से मुझे यहाँ तक रोटेट करवाना होगा। इस तरह से ये मेरे पास आ जाता है, ये मुझे लगता है इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स इथेन जो है इसके अंदर भी मेरे पास C3 है, मतलब कि इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाना है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाना है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाना है। अब ये वाला मॉलिक्यूल इसके अंदर भी C3 है। इसके अंदर C3 किस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ, मतलब यहाँ तक मेरा एंगल बनता है कितने का, 60 का। अगर मैं यहाँ तक रोटेट करती हूँ, मतलब फ्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये डिफरेंट आइटम रिप्लेस करें, इसका मतलब इसके अंदर C6 नहीं हो सकती, मतलब 60 का एंगल का मतलब ये होता है कि C6। अब अगर मैं इसको यहाँ तक रोटेट करती हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेकर आती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन को रिप्लेस किया, और जब मेरे पास न्यू इमेज आएगा या न्यू कॉन्फ़िगरेशन आएगी, वो भी मेरी इससे ओरिजिनल वाले से मैच करेगी, इंडिस्टिंग्विशेबल होगी। इस तरह से फिर मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाना पड़ेगा, और इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करवाना पड़ेगा। इसके अंदर भी C3 है। अब C3 की कुछ एग्जांपल्स हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आ गया, ये वाला, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर C3 किस तरह से लगेगी, इसके अंदर सेंटर से C3 लगेगी, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से C3 लगेगी इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसको हम ये देखते हैं, हम कुछ सिंपल वाला देखते हैं, ये भी कम्प्लेक्स आ गया है हमारे पास, इसमें देखते हैं हमारे पास C3 का जो है ये आ गया, ये देखते हैं अमोनिया, ये आ गया हमारे पास अमोनिया। अब इसके अंदर C3 किस तरह से होगी, इसमें हमें ऊपर से पास करवाना होगा इस तरह से, ये C3, और रोटेशन किस तरह से होगी इसके अंदर, इस तरह से रोटेशन होगी, ठीक है, सॉरी ये इस तरह से रोटेशन होगी। अब इसके अंदर C3 करवाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा, इसको हमने इस तरह से रोटेट करवाना है, तो ये आ गया इसके अंदर C3 हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और है इसी एग्जांपल C3 की, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसके ऊपर C3 किस तरह से लगेगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से लगे, ठीक है। अब ये रोटेट किस तरह से करेगा, एक सेकेंड, ये इस तरह से, अब ये रोटेट किस तरह से करेगा, हम इसके ऊपर लगवा के देख लेते हैं, ये इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। मतलब इसने पहले यहाँ से यहाँ तक आना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आना है, उसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये आ गई हमारे पास C3। उसके बाद हाँ, ये C3 की ये वाली एग्जांपल है। अब ये मॉलिक्यूल है, ये हमने इसकी एग्जांपल करा, अब ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इसके अंदर C3 किस तरह से, हमने कहा था कि जहाँ हमने रोटेशन करवानी होती है वो हमारा फिक्स रहता है। अब जैसे ये है, ये मतलब हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ये फिक्स रहेगा तो रोटेशन किस तरह से होगी, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसके अंदर भी C3 है, अब ये देखें, अब ये इसका सिमिलर है, फिर ये इसका और ये इसका, मतलब मुझे इसको यहाँ से पहले यहाँ तक लाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर भी C3 है। ये हमारे पास आ गया C3 की कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं C4। अब ऐसे हमने मॉलिक्यूल्स देखने हैं जिसके अंदर जो है ना, हम 90 तक रोटेट करवाएं, फिर हमें इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आए, और रोटेशन भी हमने इस तरह से करवानी है कि एक पोजीशन चेंज हो और सिमिलर आइटम रिप्लेस करें। इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखते हैं, एक पोजीशन को चेंज करवाने के लिए हमें 90 तक रोटेट करवाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इस तरह से दूसरी पोजीशन हम चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मुझे रोटेट करवाना होगा 90 तक, उस तरह नहीं सॉरी ये यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और फिर ये जो है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब ये इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगी, और जो इसका एक्सिस पास करेगा वो यहाँ से पास करेगा, ये फिक्स रहेंगे, ये वाले दरमियान वाले जितने भी आइटम हैं ये फिक्स रहेंगे, और ये 4 रोटेट करेंगे इसके अंदर C4। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ से पास करेगा
और ये फोर रोटेट करेंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है। चार दफ़ा मुझे इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, फिर मेरे पास क्या आएगी, इसकी डिस्टिंग्विशेबल इमेज आएगी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन आएगी। चार दफ़ा रोटेट करवाने पर मुझे इसकी ओरिजिनल मिलेगी, और इसको 90 तक रोटेट करवाने पर मुझे इसकी इंडिस्टिंग्विशेबल आएगी। इस तरह से अब ये देखें, ये वाला मालिक मिला, इसको यहाँ से मैंने फिक्स कर लिया। अब जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करूँगी, मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल आएगी, ठीक है, मिलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक आती हूँ तो ये मुझे फिर से इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिलती है, यहाँ से यहाँ तक भी मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल मिलती है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक मैं आती हूँ तो फिर मुझे ये क्या मिलती है, मेरी अपनी आइडेंटिटी मिलती है, मुझे मेरी ओरिजिनल पोजीशन मिलती है। तो ओरिजिनल पोजीशन तक पहुँचने के लिए कितने दफ़ा मैंने इसको रोटेट करवाया, चार दफ़ा रोटेट करवाया, और इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज को हासिल करने के लिए मैंने इसको कितनी दफ़ा रोटेट करवाया, इसको मैंने 90 पर रोटेट करवाया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 90 हो गया, 1 हो गया, ये यहाँ से 2, ये 3, और यहाँ से यहाँ तक 4। मतलब कि मुझे अगर मेरा ओरिजिनल मालिक्यूल चाहिए तो मुझे इसको 4 टाइम रोटेट करवाना होगा, और अगर मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज चाहिए तो मुझे इसको 90 तक रोटेट करवाना होगा, फिर मुझे इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से C4 की हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं, ये आप देख लें, ये वाला, ठीक है, ये है C4। इसकी जो सेंटर होगा वो यहाँ से पास करेगा। अब ये देखें, इसमें इस तरह से लगेगी, ये इस तरह से, और इसकी रोटेशन किस तरह से होगी, इसकी रोटेशन होगी इस तरह से, ये देखें, ये वाला जो है वो अपनी सिर्फ एक पोजीशन चेंज करे, इसको जब मैं चार टाइम करवाऊँगी तब मेरे पास आएगा ये इस तरह से, ठीक है। ये C4 इसके अंदर आ गया। उसके बाद एक और है C4 की एग्ज़ाम्पल, ये आ गया। अब इसको देखें, इसके अंदर भी C4 है। अब इसके अंदर C4 किस तरह से, यहाँ से लगेगा। अब C4 कहाँ से लगेगी, इस तरह से लगेगी। अब इसके अंदर रोटेशन किस तरह से होगी, इसके अंदर रोटेशन इस तरह से होगी, ये इसके अंदर C4 है, ठीक है। इस तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इस वेबसाइट से। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से इस तक अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है C5। तो C5 का मतलब ये है कि मुझे 5 टाइम रोटेट करवाना होगा और 72 एंगल तक रोटेट करवाना होगा, जैसे हमारे पास ये पेंटागोन आ गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास C6। तो C6 के लिए हम बेंजीन को लेते हैं। आप देखें बेंजीन में हमने क्या करवाना है, बेंजीन का अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट करती हूँ, 60 तक रोटेट करती हूँ, तो मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अगर मैं 6 तक रोटेट करती हूँ, 360/6, तो मेरे पास आ जाता है 60 का एंगल आ जाता है। मतलब कि मैं इसको 60 तक रोटेट करती हूँ फिर भी मेरे पास इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज आता है, ठीक है। अब ये जो था, ये तो था हमारे पास जो है ना प्रॉपर रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक मालिक्यूल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर ये C6 है तो इसके अंदर C6 ही होगा, इसके अंदर कोई और रोटेशन नहीं हो सकती, इसके अंदर C3 भी हो सकती है, इसके अंदर C2 भी हो सकती है। एक मालिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा टाइप की रोटेशंस हो सकती हैं, और इसकी वजह से हम जो है ना इस रोटेशन को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास सबसाइडरी एक्सिस और दूसरा होता है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन दोनों को हम समझेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो बस यहाँ तक था। नेक्स्ट जो है वो आप हमें जिसका आगे वाला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को मज़ीद अपडेट्स मिलती रहे।